जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा है। आईपीएल 2023 विराट कोहली फिर बने आरसीबी के कप्तान। मैच से पहले लिया गया बड़ा फैसला, आईपीएल 2023 पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी के कप्तान बन गए हैं। आईपीएल 2023 का 27वां मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जा रहा है। पंजाब किंग्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन टॉस के वक्त हर कोई तब हैरान रह गया जब विराट कोहली कप्तान के रूप में टॉस करने के लिए मैदान पर नजर आए। साल 2021 के बाद से आरसीबी की कप्तानी छोड़ने वाले विराट एक साल के बाद टीम की कमान संभाल रहे हैं। विराट कोहली को कप्तान के रूप में देखकर उनका हर फैन खुश हो गया है और सोशल मीडिया पर विराट का नाम ट्रेंड करने लगा है। दोस्तों, विराट कोहली को कप्तान इंपैक्ट प्लेयर के नियमों के कारण बनाया गया है। फाफ डुप्लेसी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, लेकिन वे दूसरी पारी में इंपैक्ट प्लेयरों के नियम के कारण बाहर जा सकते हैं। यही कारण है कि विराट इस मैच में कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। विराट कोहली ने जब से कप्तानी छोड़ी है तब से वे किसी भी टीम के कप्तान नहीं बने हैं। ऐसे में विराट और उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली ने बतौर कप्तान आरसीबी के लिए कुल 140 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 64 मैच जीते हैं। वहीं 69 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।